नंबर वन अमीर की कुर्सी से बेदखल हुए बेजोस, एलोन मस्क बने दुनिया के नए सरताज। दुनिया में कारोबारियों के लिए 2020 का गुजरना और नए साल का आगमन बड़े उतार चढ़ाव वाला चल रहा है। मुकेश अंबानी भारत की एशिया के सबसे अमीर वाली कुर्सी खिसक चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अब ना तो एशिया के सबसे बड़े रईस हैं और ना ही दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हैं। चीन में बोतलबंद पानी और वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के मालिक जुंग शानशान ने उनसे एशिया के रिचेस्ट बिजनेसमैन का ताज छीन लिया है। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर रैंकिंग्स में शानशान दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में छठे नंबर पर पहुंच गए हैं, तो अंबानी 12वें पायदान पर लुढ़क गए हैं। खैर, ये तो बात हुई भारत की, लेकिन एक बड़ी खबर दुनिया के नंबर एक रईस और अमेजोन के CEO जेफ बेजोस को लेकर भी है। उनका नंबर एक वाला ताज छिन चुका है और रॉकेट रफ्तार से एलोन मस्क ने नंबर वन वाली कुर्सी हासिल कर ली है। एलोन मस्क ने हर घंटे कमाए 127 करोड़ रुपए। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला इंक और स्पेसएक्स के CEO एलन मस्क ने पिछले 12 महीनों में ही 150 अरब डॉलर कमा लिए, वो भी तब जब कोरोना वायरस के कारण इकोनॉमिक स्लोडाउन है। वो दुनिया में सबसे तेजी से कमाई करने वाले शख्स भी बन चुके हैं। मस्क ने पिछले एक साल के दौरान हर घंटे 1.736 करोड़ डॉलर यानी करीब 127 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसकी वजह ये है कि दुनिया की सबसे मूल्यवान ऑटो कंपनी टेस्ला के शेयरों में अभूतपूर्व तेजी आई है। लगातार प्रॉफिट और प्रतिष्ठित S&P 500 इंडेक्स में शामिल होने से पिछले साल कंपनी के शेयर 743% चढ़ा। टेस्ला का शेयर $816 के ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। टेस्ला ने पिछले साल 5 लाख कारें बनाई और इन्हें डिलीवर किया। मस्क ने इस उपलब्धि पर अपनी टीम को बधाई दी। हालांकि फोर्ड मोटर कंपनी और जनरल मोटर्स कंपनी की तुलना में ये आंकड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि जॉर्जिया में डेमोक्रेट्स की जीत से टेस्ला की उम्मीदें और बढ़ गई हैं, और क्योंकि पार्टी देश में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बढ़ावा देने के पक्ष में है, टेस्ला के शेयर की कीमत मौजूदा भाव से 3 गुना बढ़ सकती है। अगर ऐसा होता है तो मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पेशे से इंजीनियर 49 साल के मस्क की टेस्ला में 20% हिस्सेदारी है। वो स्पेसएक्स के भी CEO हैं। प्राइवेट स्पेस रेस में भी उनकी बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन LLC के साथ प्रतिद्वंदता है। मस्क की नेटवर्थ 6 जनवरी को 184.5 अरब डॉलर पहुंच गई थी और वो बेजोस से महज 3 अरब डॉलर ही पीछे थे। गुरुवार को टेस्ला के शेयरों में करीब 8% की उछाल आई और मस्क अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस को पछाड़कर दुनिया के सबसे बड़े अमीर बन गए। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक मस्क की नेटवर्थ को 195 अरब डॉलर यानी करीब 14,23,500 करोड़ रुपए पहुंच गई। बेजोस अक्टूबर 2017 से दुनिया के सबसे बड़े रईस की कुर्सी पर थे और इस समय उनकी नेटवर्थ 185 अरब डॉलर है। बेजोस अक्टूबर 2017 से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की कुर्सी पर काबिज थे। बेजोस का भारत के अंबानी के साथ भी कारोबारी झगड़ा चल रहा है और ये झगड़ा है फ्यूचर ग्रुप की खरीद को लेकर, जिसे रिलायंस ने खरीदा है, लेकिन डील को लेकर बेजोस और अंबानी आमने सामने हैं और मामला कोर्ट में चल रहा है।